मैं आई हूँ अपने मायके यानी कि अपनी मॉम के घर और मेरे बेबी को संभाल रही है मेरी मम्मी, तो उसकी नानी संभाल रही है। और मैंने सोचा इसका फायदा मुझे उठाना चाहिए और मुझे उनके कपड़े चुराने चाहिए। और आपको पहन के दिखाने वाली हूँ उनके पास विंटर क्लोथ में क्यूटेस्ट कपड़े। मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारी एज की किसी भी लड़की के पास इतने क्यूट कपड़े होंगे। और सारे मेरे कोट लेके जा रही है सरोजनी के, प्लीज छोड़ दो कोट, छोड़ दो। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से है ये वाला स्वेटर, इसमें लिटरली ज़ारा का टैग भी लगा हुआ है। पता नहीं ओरिजिनली ज़ारा से लिया या नहीं, ये मेरे को पूछना पड़ेगा। और मैं इसका रिस्पांस भी मम्मी से मांगूंगी कि कैसा लग रहा है उनको कि मैं उनके कपड़े चुरा के पहन रही हूँ, क्योंकि वो अपने कपड़े पहनती नहीं है। मैंने सोचा कि उनको थोड़ा लालच दूँ और दिखाऊँ कि देखो आपके स्वेटर कितने अच्छे लग रहे हैं। आई एम लुकिंग सो नाइस, सो ब्रांडेड। नेक्स्ट है ये व्हाइट कलर का कोट जो कि मेरा ही है, मेरा है, लेकिन मैं इस घर पे छोड़ गई थी क्योंकि मेरे वहाँ पे जगह नहीं है। और ये बहुत ही प्रिटी कोट है, मेरे को उस टाइम पे फिट नहीं आ रहा था, लेकिन थैंकफुली अब फिट आ रहा है। शायद मैंने कुछ वेट लूज करा होगा। सो व्हाइट कोरियन, इसमें से एक कोरियन टिकट भी निकली थी लिटरली, मतलब एक कोई PVR की टिकट थी, कोरियन में लिखा हुआ था उसमें। एंड इसकी हुडी भी बहुत बड़ी है। वाला कोट जो वाइट में दिखाया था वैसे ही शॉर्ट में है ब्लू में, बड़ा ही पाउडर ब्लू, प्रिटी सा ब्लू है। और इसमें भी सेम काइंड ऑफ हुडी है विच लुक्स वेरी स्वीट अगेन। एंड दीज कैन बी स्टाइल्ड विद अ स्कर्ट ऑल्सो, आप मैचिंग स्कर्ट ले सकते हो इन द सेम कलर, और यू कैन वेयर अ वाइट स्कर्ट, ब्लैक स्कर्ट। तो ऐसे वाले कोट जो है स्कर्ट्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एंड दे लुक वेरी विंटेज स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल। तो अगर कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में भी जा रहे हो दीज विल वर्क रियली वेल, कश्मीर जा रहे हो तो भी दे विल वर्क रियली वेल। दे लुक वेरी स्टाइलिश। आई कांट इमेजिन कि मैं विंटर वेयर में इतनी सुंदर लग रही हूँ यार। एक लाइक का बटन दबाना चाहिए ना इस बात के लिए। तो ये डेनिम वाली, इसमें पिंक कलर का फर कोट है और ये भी सूरजनगर से ली थी। और इसमें जिप भी है, बटन्स भी हैं, काफ़ी वॉर्म है। और विंटर में डेनिम, लेदर, पफर, ये सब होनी चाहिए एक एक वार्डरोब के अंदर, और ना हो तो मम्मी की वार्डरोब से चुराओ। सो नेक्स्ट है ये ग्रीनिश येलोइश कलर का कोट जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और शायद मैं इसको घर भी ले जाऊंगी, अपने इस घर से दूसरे घर ले जाऊंगी। डबल ब्रेस्टेड कोट है और इसकी जो बिग ये जो कॉलर है वो भी बहुत डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे आपको ज़्यादा बोधा करने की जरूरत नहीं है कि क्या पहनना है। शॉर्ट कोट है इसके, तो 2-3 शेड्स अलग अलग मेरे पास ऐसे कोट के, मतलब मम्मी के पास। So I really love this one. How do you find it? नीचे कमेंट कर डाउन करके। दूसरा वाला एक शेड ऑफ येलो, ये थोड़ा और शॉर्टर है और इसमें डबल ब्रेस्टेड और भी ज्यादा है, इसका कॉलर थोड़ा फर्क है। बड़े ही स्टाइलिश कोट्स है यार, मन कर रहा है कौन से ना उठाऊं, कौन से ना ले जाऊं, कहाँ रखूंगी मेरे को पता नहीं। हैज पॉकेट्स, लुक्स वेरी लाइक यूरोपियन स्टाइल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं यूरोप में ही घूम रही हूँ। सो दिस इज अनदर शेड ऑफ ग्रीन, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, फर जैसा मटेरियल है, अगेन सूरजनगर से ही लिया होगा, ऐसे कलरफुल कोट्स और तो कहीं नहीं मिलते। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मम्मी को नीचे कमेंट डाउन करके बोलो कि अपने कपड़े यूज़ करा करें, वो कपड़े नहीं यूज़ करते। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि मेरी मम्मी की बार्गेनिंग स्किल्स ना, लिटरली वो मीम्स नहीं आते कि 50,000 बोला तो 500 या 50 रुपये बोला, तो मेरी मम्मी का वो है। तो ये आई एम श्योर कि ये जो कोट्स हैं ये 200-300 से ऊपर तो नहीं लिए होंगे, 800-900 बोलने के बाद, या कई बार तो 1500 भी बोलने के बाद 200-300 से ऊपर नहीं लिए होंगे। और ये वाला शेड अभी भी ज़ारा पे ऐसी ड्रेसेस भी पड़ी हैं। नेक्स्ट है ये टेडी कोट पिंक कलर का, इसमें जिप है, पॉकेट्स हैं, सुपर कंफर्टेबल है, वॉर्म है। 50 शेड्स ऑफ पिंक होना चाहिए मेरी मम्मी का नाम लिटरली, अगर कोई टाइटल या बुक लिखनी हो तो 50 शेड्स ऑफ पिंक, क्योंकि उनके पास पिंक के इतने कोट्स हैं। ये सिर्फ 5% शो कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो में, मैं थक गई हूँ इस टाइम तक, बट आई एम गोइंग टू शो यू लिटिल मोर। पफर जैकेट्स भी आने रहती है, अनदर पफर जैकेट इन पिंक। ये वाली पफर जैकेट्स जो है ना ज़ारा में सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है, 20,000 की, 11,000 की, और ये सरोजी नगर में बतैर मिल रही हैं 800 रुपये की। पता है इसमें क्या इशू, जो अंदर का कुशन होता है ना, जो फोम्स होती है, कॉटन सी होती है, वो शिफ्टेड है,
अदरवाइज वॉर्म पूरा तरीके से है, और ये मतलब 500, 700, 800 की मिल जाती है, ऐसी लॉन्ग पफर कोट्स टाइप के जो स्टाइल होते हैं श्रीनगर के अंदर, और इसमें ब्लैक तो बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। सो यू शुड लुक फॉर कलर्स, बट ब्लैक तो एक होनी चाहिए इन योर वार्डरोब। सो दिस लाइक अ ह्यूज बॉम्बर काइंड ऑफ पफर जैकेट, मतलब ये मिक्स है और काफ़ी मोटी है, तो अगेन किसी भी ठंडी जगह पे तो बहुत ही काम आएगी। प्लस दीज लुक वेरी स्टाइलिश एंड देयर ट्रेंडिंग, क्योंकि देयर ओवर साइज एंड ब्लैक है, तो अगेन यू कैन बी वर्सटाइल इन वेयरिंग कलरफुल क्लोथ इनसाइड और ऊपर ब्लैक पहन लो, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ये है पिंक में पफर जैकेट, जो कि जिम वगैरह टाइप की जगहों पर काम आती है, जो लाइट वेयर कैजुअल आउटिंग्स उनमें काम आती है, और इसका शेड ऑफ पिंक भी बड़ा हॉट पिंक है, हॉटी। तो इसके पीछे कहानी है कि एक शॉप है जो जनपथ में भी है, वो श्रीनगर में भी है, वो भैया की शॉप, मेरे को नंबर नहीं याद, बट वो सॉफ्ट एंड स्टीक के पास पड़ती है, और उनके पास एक पफर जैकेट थी पर्पल कलर में जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उन्होंने 800-900 बोला था और मैं ऐसे ही निकल गई थी बिना लिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम गई, उनको पर्पल कलर की जैकेट दिखी, उनको लगा कि वो वही वाली है जो 800-900 वाली, लेकिन वो ये वाली लेके आई और ये वाली और भी बेटर लगी मुझे। तो ऐसी वाली जो है ना जनपद में भी मिल रही है, बट वो थोड़ी नकली कॉपी टाइप नहीं होती, जो बहुत सारी एक प्रोडक्शन में बन जाती है। तो फिर ये वाली वो लेके आई है और ये मुझे इतनी प्रिटी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है हाय काश मैंने ये ले ली होती, काश मुझे ये मेरे को मिल गई होती। ये तो काफ़ी फनी कोट है, ये मुझे पता है एग्जैक्टली कहाँ मिलता है, श्रीनगर में एक एंड में शॉप है जहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग के पास पहले क्विक बाइट होता था वहाँ पे, वो एग्जैक्ट शॉप नंबर अगर मुझे याद आएगा तो आई डेफिनेटली पुट इट। तो वहाँ पर ना फिक्स प्राइस शॉप है, वो हमेशा मैं एंड में ही दिखाती हूँ मोस्टली। तो ये वाली जो ऐसे कोट्स है ना फर कोट्स वहीं पे मिलते हैं, पिंक में भी मिल जाता है, ऑरेंज आई थिंक पर्पल, ऐसे कलर्स बहुत सारे होते हैं इनके पास, ब्लैक ब्लैक भी होता है। ये थोड़ा फनी लगता है मुझे, नॉट द बेस्ट, बट वैसे बड़ा सॉफ्ट और अच्छा फ्रेश लुक। नेक्स्ट है उसी के टाइप का ये कोट, ये ना हमारे रजौरी मार्केट में भी ऐसे वाले कोट्स मिल जाते हैं, और ऐसे हुआ वाले कोट भी मैं नहीं पहन सकती, नहीं है मेरी हिम्मत, बट थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये वाला, इसके भी बारे में कमेंट डाउन करके बताओ, हाउ डू यू वेयर सच अ कोट। फर कोट की भरमार है लिटरली, अगर मैं एक शॉप खोलना चाहूँ, एक थ्रिफ्ट स्टोर, तो पूरा श्रीनगर खुल सकता है। लेकिन इस बात में मैं अपनी मम्मी को अप्रिशिएट भी करूँगी, क्योंकि जो उन्होंने कलेक्शन रखी हुई है वो काफ़ी हद तक न्यू लगती है, और मेरे अब काम आ रही, क्योंकि सरोजिनी नगर में अच्छा सामान मिलना काफ़ी बंद हो गया है, तो मुझे लगता है कि मेरा श्रीनगर तो ये खड़ा। श्रीनगर में यार कलेक्शन ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेटेस्ट कलेक्शन अब आती ही नहीं है, जो कोरियन कोट्स आने शुरू हुए थे वो बंद हो चुके हैं, तो मुझे तो मेरा कोरियन कोट की श्रीनगर वाली जगह मिल चुकी है। मेरा स्पॉट ये रहा, आप अपना ढूंढो, हो सकता है आपके पास भी कोई स्पॉट मिल जाए। है ये पिंक कलर का स्वेटर जो कि हैंडमेड है लिटरली, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, और ये मुझे याद है कि मम्मी ने श्रीनगर से लिया था। इट इज़ सो प्रिटी, इसका नियॉन जो शेड आ रहा है ना वो शाइन दे रहा है इस टाइम पे, और विंटर की ग्लूमीनेस को किल कर रहा है, सो आई रियली लव इट। इसको मैंने ज़्यादा स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि एज इट इज़ ही बहुत है। मम्मी की ही ये अफगानी ज्वेलरी पहनी है, ये मैं कुछ अपनी लाई हुई थी, उन्हीं की इयररिंग्स है। बहुत मज़ा रहा मदर डॉटर ड्यूओ, यू नो माय कोट्स जो पाइल्ड अप थे अलमारी में वो भावना ने निकाल के स्टाइल अप किए, और एक फैशन फिएस्टा की तरह आपको पेश किया। आई होप यू इन्जॉय हर वीडियो and subscribe to her video. She does all the mehnat with the little one. I can show you the little one with her right away. ये है वो बच्चा जो हमारी मेहनत के बीच में बेचारा neglect हो जाता है, फिर भी happy है। फिर भी happy है। Hi.